हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, उसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल और नमक स्वाद अनुसार। तो इस आटे को गूंद लेते हैं। सफ़ेद वाला सिरका लिया है, सोया सॉस, चिली सॉस, कुछ सब्जियाँ ली हैं, पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। तो गैस पर एक बड़े बर्तन में हमें पानी रखना है। गैस को ऑन कर देंगे, डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा नमक और पानी को बॉईल होने देते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लेंगे। तो आटा हमें इस तरह से गूंदना है, पतला नहीं होना चाहिए, इस तरह से। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे हमें रोटी की तरह बेलना है। तो इस तरह से बेल लेनी है, ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से। तो इसको हमें इस तरह से काटना है पतला पतला। इस तरह से काट लेने हैं बीच में से भी इन्हें, इस तरह से कट कर देंगे और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये मैंने बना लिए हैं। तो पानी में हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। पानी अच्छी तरह से बॉईल होना चाहिए, तो इन्हें पानी में डाल देंगे। तो इनको हमें पानी में पकने देना है। गैस को मीडियम रखेंगे और 2 मिनट के लिए मैं इन्हें ऐसे ही पानी में पकाना है। जब ये हमारे पक जाते हैं तो ऊपर को इस तरह से तैरने लगते हैं। तो ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ठंडा होने देते हैं इनको। तो गैस पे कढ़ाई रखेंगे, डालेंगे ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गरम हो गया है तो डालेंगे लहसुन की कलियां कुटी हुई, प्याज हल्का हल्का भूनेंगे। प्याज हमारे भून चुके हैं तो ऐड कर देंगे पत्ता गोभी, टमाटर और शिमला मिर्च। मिक्स कर देंगे। रख देंगे ताकि सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक जाए। तो सब्जी हमारी पक चुकी है, ये हमारे ठंडे हो चुके हैं, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, सफेद वाला सिरका 1 चम्मच, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस। मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। 1 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही पकाना है।
तो गेहूं के आटे से बनी रेसिपी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।